ये घटना 4 साल पहले की है, जब मैं हाई स्कूल में था। मुझे अपनी शिफ्ट की लास्ट डिलीवरी करनी थी। मैं अपनी कार में गया, जो कि 1999 कैमरे मॉडल कार थी। पिज्जा डिलीवरी के लिए परफेक्ट गाड़ी। मेरे मोबाइल का GPS ऑन करके मैं निकल पड़ा। मैं इस काउंटी इलाके में काफी समय से रह रहा हूं, और सारी पिज्जा डिलीवरीज हमेशा से एक लॉन्ग ड्राइव्स रहती थी। मुझे याद है, सूरज ढलने ही वाला था और शाम के करीब 7 बजे थे। जंगल की इस कच्ची सड़क पर लगभग 15 मिनट ड्राइव करने के बाद मेरे GPS ने बताया कि मैं उस जगह पर पहुंच चुका हूं। यहां पर एक घर था जो पूरी तरह से लकड़ियों से बना था। वो किसी पुरानी झोपड़ी की तरह दिख रहा था। इस घर के आसपास केवल घना जंगल था, और इसका लॉन पूरी तरह से लंबी लंबी घासों से भरा था, जो मेरे घुटनों तक आ रही थी। ये सब चीजें मेरे लिए आम बात थी, इसलिए मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। मैं पिज्जा लेकर घर के मेन दरवाजे पर पहुंचा। वहां कोई डोरबेल नहीं थी, इसलिए मैंने दरवाजा खटखटाया। कुछ ही पलों में मैंने अंदर से किसी के फुटस्टेप सुने, जो दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे और अचानक रुक गए। मुझे कुछ बहुत अजीब सा लग रहा था। मुझे ऐसा लगा मानो कोई मुझे देख रहा हो। तब मैंने नोटिस किया कि दरवाजे पर एक पी होल था। इट्स द पिज्जा गाय, मैंने आवाज लगाई। मैंने दूसरी तरफ से बहुत धीमी और कठोर आवाज सुनी। उसने मुझे पिज्जा घर के पीछे लाने के लिए कहा। मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। वहां कुछ भी सही नहीं था। आर यू श्योर सर, मैंने उससे पूछा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दरवाजे से फुटस्टेप्स के वापस जाने की आवाज नहीं सुनाई दी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे वो अभी भी मुझे देख रहा है। मैं बस वापस लौटकर अपनी कार में जाने ही वाला था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे बॉस के साथ कोई पंगा नहीं चाहिए, क्योंकि इससे पहले जब मैं दोबारा पिज्जा रिटर्न ले गया था, उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। इसलिए मेरी इच्छा न होने के बावजूद मैं उस घास भरे मैदान से होता हुआ घर के पीछे की तरफ गया। मुझे याद है वहां एक बिना दरवाजे का छोटा सा झोपड़ी नुमा घर था। उस झोपड़े में एक टेबल रखी थी, जिसके आसपास 4 कुर्सियां लगी हुई थी। उनमें से एक चेयर, जिसका फेस मुझसे ऑपोजिट डायरेक्शन में था, उस पर किसी का सर नजर आया, जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ था। मैं उसकी तरफ बढ़ा और मैंने कहा, एक्सक्यूज मी, लेकिन वो आदमी जरा सा भी नहीं हिला। मैंने दोबारा से थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी, और तभी मैंने मेरे पीछे से एक आवाज सुनी, यहां इधर। मैं पीछे मुड़ा। मैंने देखा एक आदमी घर के कॉर्नर से अपना सर बाहर निकालकर मुझे झांक रहा है। वो मुझे काफी डरावनी स्माइल दे रहा था। उसने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मैं बुरी तरह डर गया और दोबारा घर की ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता हुआ अपनी कार के पास पहुंचा। पता नहीं क्यों मैंने अभी भी वो पिज्जा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। मैं जल्दी से कार में घुसा और कार स्टार्ट करके वहां से निकल गया। मैंने दोबारा अपनी गाड़ी पिज्जा शॉप की तरफ बढ़ा ली। मैंने रास्ते में एक जगह रोड के किनारे अपनी कार रोकी और पुलिस को फोन किया, और तभी मुझे पता चला कि जिस घर पर मैं डिलीवरी देने गया था, वहां पर बहुत समय से कोई भी नहीं रहता है।
इस घटना के कुछ समय बाद मैंने अपनी पिज्जा डिलीवरी की जॉब छोड़ दी। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि मेरा क्या हुआ होता अगर मैं उस आदमी के पास चला जाता, लेकिन आज भी मैं सोचता हूं काश मैंने उस दिन एक बार मुड़कर यह देख लिया होता कि आखिर उस कुर्सी पर क्या या कौन बैठा हुआ था।